सो हे गाइस, तो कैसे हो सारे। होप करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रियंका तिवारी जो है यूट्यूब से एक महीने का कितना पैसे कमाती है। दोस्तों, ये सवाल जो है बहुत से लोगों का यहाँ पर रहता है, जो भी लोग उनकी वीडियोज़ को देखते हैं कि आखिरकार वो यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं। तो यार, इस चीज़ के रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ एंड आप लोगों को बताऊँगा कि वो यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं। और ये चीज़ें मैं कोई तुक्के में नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास दूसरा चैनल है जो मोनेटाइज है और उस पर मुझे पता है कि कितने पैसे यहाँ पर कितने व्यूज़ पर हमें मिलते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि वो महीने का कितना लगभग कमा लेते हैं। और यार, ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें देखकर बहुत से लोगों ने YouTube पर व्लॉग बनाना भी स्टार्ट किया है, क्योंकि हाउसवाइफ है और वो अभी YouTube पर उनकी वजह से काम कर रही है, मतलब से इंस्पायर होकर वो YouTube पर काम कर रहे हैं। और शायद अगर आप लोग उनकी अर्निंग को देख लोगे कि महीने का वो कितना कमाती है, तो आप भी इससे और मोटिवेट हो सकते हो और आप भी अच्छे से YouTube पर काम कर सकते हो। तो चलिए, अब थोड़ा वहाँ पर देख लेंगे उनका चैनल पर कितने व्यूज़ महीने के आते हैं और उसका कितना पैसा उनको मिलता है। तो दोस्तों, उनका ऑफिशियल चैनल ये है प्रियंका योगी तिवारी। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जब नीचे तक स्क्रॉल करते हो तो उनके व्यूज़ आप लोग हर वीडियो के देख सकते हो। लोग इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ जो इन वीडियोस पर आते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं इनकी वीडियोज़ को देखना। तो यार, यहाँ पर जब मैंने इनकी वीडियोज़ के कैलकुलेशन की व्यूज़ की, तो यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आया मतलब 3.5 मिलियन व्यू इनके एक महीने में आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ यूट्यूब पर काम करना और इतना अच्छा यहाँ पर काम करना कि मतलब आप लोग इस तरीके की वीडियोस को बहुत ही अच्छा कह सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। उन इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इनका लगता होगा, ठीक है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके मतलब आप 3.5 मिलियन व्यूज़ यानी मतलब 35 लाख व्यूज़ आप एक महीने के लेकर चलते हैं। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे कि कितना जो है इतने व्यूज़ पर YouTube पैसे देता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो चैनल है वहाँ पर मुझे 1000 व्यूज़ पर करीब $0.5 मिलता है, यानी 2000 व्यूज़ पर $1। और अभी चेक करते हैं कि इंडिया में $1 पर हमें कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि $1 जो है हमें यहाँ पर 81 रुपीज़ के करीब मिलता है, यानी 82 लेकर चलते हैं, यानी $82 हमें $1 के मिलते हैं। और यहाँ पर अब हम इसको चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि हमें 1 लाख व्यूज़ पर $50 मिलेंगे और वहीं पर 10 लाख व्यूज़ पर हमें $500 मिलेंगे। और अगर हम इसी तरीके से इसको लेकर चलते हैं 30 लाख व्यूज़, तो 30 लाख व्यूज़ पर हमें इसका मिलेगा इसका आधा, तो मतलब 30 का आधा होता है 15, तो $1500 यहाँ पर उसके बनेंगे। व्यूज़ मैंने बताए थे कि 35 लाख आते हैं, जो 5 लाख और व्यूज़ बच रहे हैं तो उसका 250 लेकर चलेंगे। इनकी टोटल अभी जो डॉलर्स में इनकम निकलेगी वो होगी $1750, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 82 से, तो यहाँ पर इनकी अर्निंग आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि 1,43,500 के करीब, मतलब ये लगभग अर्निंग है इनकी। आप इससे थोड़ा कम ले सकते हो एंड थोड़ा ज़्यादा ये एक महीने का YouTube से कमा रहे हैं। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ खुद के चैनल के रिलेटेड बताई है, जितना मुझे अपने चैनल पर मिलता है उस चीज़ से मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। इनके चैनल को आप एक ब्रांड की तरह भी ले सकते हो, तो इसका मतलब इतनी अर्निंग इनकी मंथली आराम से हो जाती है।